और उधर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। इस बीच यूपी दौरे पर आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी की नैया अब डूब रही है। बड़ी खबर यह कि यूपी में अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ओवैसी ने यह बयान दिया, लखनऊ के बाद बहराइच का दौरा करेंगे, यानी सीमावर्ती इलाकों का दौरा यहां भी उत्तर प्रदेश में वो करने की तैयारी में है, जहां पर तराई में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। लखनऊ में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कर चुके हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश को लेकर वो अपना फोकस सेट कर रहे हैं। लखनऊ में ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। मोहन भगवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। यार आप लोग बहुत दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है, तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहां तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहां कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहां कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, हम अल्लाह उनको ऐसे रखे। का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते हैं भूल जाएंगे? वो अभी तक आप हमको एक वैक्सीन लगाना चाह रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% लोगों को 2 वैक्सीन लगा है 7 महीने में। इसका जिम्मेदार कौन है? राजभर साहब है। लखनऊ में मेरे सहयोगी विजय मिश्रा ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। बातचीत करते हैं सर, किस तरह की बातचीत रही? जाहिर है कि इस समय उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को ही लेकर के केंद्र से लेकर के लखनऊ तक तैयारियां चल रही हैं। आज की मुलाकात कैसे रही आपकी और क्या बातें तय हुई? देखिए, आज उनका कार्यालय का उद्घाटन बहराइच में आए थे, और मुलाकात के संबंध में हम लोगों ने बैठ के बात किया है। संगठन हम लोगों का कहाँ किस इलाके में कमजोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए। दूसरा, कहाँ कहाँ कार्यक्रम किया जाए, उस पर चर्चा हुई है। 15 को मुरादाबाद में कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई है, और जगहों पे कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि आप तय कर दो, हम तय कर लेते हैं, बता दीजिए, हम आएंगे, और आगे क्या किया जाए और बेहतर हो, इसी पे चर्चा हुई है। इन दिनों आपकी आम आदमी पार्टी के साथ भी मुलाकात हुई, तो कौन कौन से दलित समय आपके साथ आ रहे हैं जो ये पूरा गठबंधन 2022 के लिए तैयार हो रहा है? देखिये, हम न्योता देने के लिए संजय सिंह को भी न्योता दिया। 17-18 में हम दिल्ली जाने वाले हैं, केजरीवाल से मिलेंगे भी, मुलाकात होगी। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, उनके राष्ट्रीय महासचिव मिले, तो हमने कहा भैया जाओ अपने नेता से पूछ के आओ। संजय राउत जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम आते हैं, या तो लखनऊ या दिल्ली हमारी आपकी मुलाकात हो, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। हमने चंद्रशेखर आजाद से भी बात की, हम शिवपाल जी से भी बात, हम सबसे प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यूपी में आ रहे हैं, तो 403 सीट है महाराज, आओ लड़ो, इसी में मिलके सरकार बना लिया जाए। क्या सपा की तरफ से भी आपको निमंत्रण दिया गया है, या उनसे कोई अब तक बातचीत हुई हो? अखिलेश यादव जी से 1.5 साल से न अखिलेश जी से, न मायावती जी से, न सोनिया जी से, हम किसी से बात नहीं करते। हम उनसे बात कर रहे हैं जिनके पास वोट है। आप साफ साफ जानिए कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं। मतलब बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। अभी छोटी पार्टी 10 हो तो हम इकट्ठा कर लिए, पाल हमारे साथ, प्रजापति हमारे साथ, पटेल हमारे साथ, चौहान हमारे साथ, बिंद हमारे साथ, कश्यप हमारे साथ, कुशवाहा साक्य सैनी हमारे साथ, माली हमारे साथ, अन बंजारा हमारे साथ, बहेलिया हमारे साथ, अर्कवंशी यारक हमारे साथ, धोबी धरकार पासी खटिक हमारे साथ, कहाँ हम कमजोर हैं? हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज लखनऊ। उधर असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव में एंट्री पर योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या जवाब दिया, ये सुनते हैं। ओवैसी के आने से और जाने से भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी को वही लोग वोट करते आए हैं
जो लोग भारतीय जनता पार्टी कभी वोट नहीं किए हैं और उनका वोट बिना लिए भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है, तो वैसे जैसे लोगों से हमारी कोई चिंता नहीं।